जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है फ्रेंड? ठीक ठाक हैं? और सुनाएं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आप नए आते हैं जिनके फिंगरप्रिंट मतलब कि किसी और यूरोप की कंट्री में है, तो मैं अभी जर्मन के कैंप में हूँ। मैंने यहाँ पर असाइलम अप्लाई किया था कि मेरे फिंगर भी हैं इटली में। तो मैं आपको बताऊंगा, आज मेरा इंटरव्यू था छोटा, तो आप जब अप्लाई करते हैं कैसे करना है किस तरह, तो अभी ये बहुत ही जल्दी वो उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसे इटली में होता है कि लंबा प्रोसीजर चलता है, यहाँ जर्मन में तकरीबन आपको 3 महीने में फारग कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और किस तरह, जैसे कि मैं आज आया हूँ, मेरे पास ये अभी मुझे 3 महीने की मिली है, मतलब कि जैसे इटली में परमेसो सजोर्न होती है, यहाँ हाउस वाइस इसको बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह और कैसे क्या क्या करते हैं, किस तरह केस ख़त्म बहुत ही जल्दी अभी कर रहे हैं। तो पहले फर्स्ट जो है, मैं आया था बर्लिन में, और वहाँ से थाने में गया, उन्होंने मुझे एक पेपर दिया, मैं कैंप गया, और कैंप से मुझे एक और कैंप में यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, और यहाँ पर आके मुझे 1 महीने की जो है वो इजाज़त मिली थी रहने की। तो अभी उन्होंने एक स्टिकर, ये वीज़ा टाइप का है, ये लगा कर दिया, साथ में जो है ना वो जो है वो दिया है, इंटरव्यू अगला जो है ना मेरा 5-6 दिन बाद है। तो बाकी जो मैं आपको अगला जो है बताऊंगा किस तरह और कैसे करते हैं।